देखिए स्टूडेंट्स, मैं संधि आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, संधि में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा पहले इस चीज को देखिए कि संधि से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला चीज, संधि को पहचाना आना चाहिए, और दूसरा चीज इसका विच्छेद। ठीक है, कि या फिर संधि की देर एक देर रखिए, उसका हमें विच्छेद करना है, और या फिर हमें यह पहचाना है कि संधि होती क्या है। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संधि और समास में अंतर क्या है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास समास है और संधि है, दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएगा? संधि का विच्छेद होता है, समास का विक्रय होता है। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है कि दो शब्दों को जोड़ना होता है। यहाँ पे ये है कि जब संधि होगी, ठीक, अच्छा समास का मतलब भी वही होता है, दो शब्दों को जोड़ना। यहाँ पे मुख्यतः समास और संधि में अंतर यह है कि यहाँ पे दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, दो वर्णों का मेल होता है, यहाँ पे दो शब्दों का मेल होता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो? अगर मैं ये कहता हूं कि संधि का विलोम क्या होता है, क्या होता है? विच्छेद। ठीक है, और समास का इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैं फिर से समझिएगा, जैसे मैं एक संधि का एग्जांपल लेता हूं, तो जैसे मैंने आपको कहा विद्या प्लस आलय। ठीक है, जैसे मैंने कहा विद्या प्लस आलय, यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है? आ की मात्रा है, और यहां पे क्या है? आ की मात्रा है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? आ। बात समझ रहे? यहां पे किसका मेल हुआ? ये जो अच्छा बाकी चीजों में देखिएगा, बाकी चीजों में कोई विकार विकार चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसमें विकार उत्पन्न हुआ। विद्या और आ मिलकर क्या बनाया? आ। ठीक है, तो यहां पे शब्द क्या बना? विद्यालय। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं? संधि। दूसरी चीज और देखिएगा, पहली चीज अच्छा इस चीज को थोड़ा देखिएगा, खासकर यूपी पुलिस में कुछ बेसिक चीजें पूछी गई थी। अगर जैसे आपसे पूछता है कि संधि का विलोम क्या है, या दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं संधि की। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तीन। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन, और तीसरा कौन सा है? कभी कभी आप देखेंगे एक संधि दे रखी होगी और आपसे बोला होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्वरों के भेद नहीं बता रहा हूं, फिलहाल आप ये समझिए कि स्वर की संधि के ऊपर कितने भेद हैं? तीन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जैसे मैंने एक शब्द रखा है, आप मुझे ये बताइए, जैसे मैंने लिखा शब्द लिखा स्वागत, आप मुझे ये बताइएगा कि ये संधि कौन सी, स्वर संधि है, व्यंजन है, या विसर्ग है? स्वर। कैसे पकड़ा आपने? हाँ, अगर व्यंजन संधि होती तो यहाँ पे मतलब कि व्यंजन जुड़ा होता, विसर्ग होती तो यहाँ पे अगर इसको विच्छेद करके तो यहाँ से हमें विसर्ग निकलता। इतना तो क्लियर है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में पहचाने का तरीका है कि जो विसर्ग संधि होगा, जब हम इसका विच्छेद करेंगे, जब इसका विच्छेद करेंगे तो हमारे से क्या निकलेगा? कोई ना कोई विसर्ग होगा। ठीक है, अगर मैं अच्छा जैसे इसी का मैं अगर विच्छेद करता हूं तो यहां से क्या निकलेगा? सु प्लस आगर। यहां से क्या निकलेगा? सु प्लस आगर। और ये देखिएगा यहां पे क्या है? ऊ की मात्रा है, और यहां पे क्या है? आ है। यहां पे क्या स्वर जुड़ रहा है कि क्या जुड़ रहा है? यहां पे स्वर जुड़ रहा है, इसीलिए कौन सी संधि है ये? अगर मान के चलिए यहां पे व्यंजन होता, सपोज अगर यहाँ पे व्यंजन होता और यहाँ पे कोई स्वर या व्यंजन होता तो कौन सी संधि होती? व्यंजन। अगर विसर्ग की बात करता हूं, मान के चलिए यहाँ पे अगर विसर्ग है तो कौन सी संधि हुई है? विसर्ग। इतना तो पहचान आ गया। ठीक है, अगर कभी भी आपसे ये कहता है कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, ये विसर्ग संधि क्या है, इसे कोई परिभाषा से नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो शब्द आते हैं और उन शब्दों के आधार पर हम उन सबका मतलब ये निर्णय करते हैं कि कौन सी संधि है।
कितना क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ स्वर संधि की। अच्छा सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना बताऊंगा, ठीक है, कि संधि को पहचानना क्या। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्वर संधि की। स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? पांच। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक है। फिर से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं स्वर संधि की, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण बताए थे, वहां भी मैंने आपको यही कहा था कि याद रखिएगा इनके जो क्रमशः जो भी ये चीजें होनी चाहिए क्रमशः होनी चाहिए। रीजन क्या होता है कि वहां पे कुछ फिक्स है, ठीक है, उनको उनकी वजह से हम उनको उन शब्दों को जल्दी पकड़ सकते हैं। दीर्घ संधि में भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। अगर मेरे पास दीर्घ है, ठीक है, अगर मेरे पास दीर्घ है, दीर्घ के बाद गुण आएगा, गुण के बाद युवधि आएगी, यण फिर आयादि है। ऐसा कारण क्या है कि ये जो दो संधियां हैं और ये दो संधियां हैं ये आपस में मेल खाती हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप संधि अगर याद कीजिएगा तो क्योंकि आसानी रहेगी इन शब्दों को पकड़ने में। सबसे पहले दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादि। मैं सबसे पहले इनकी बात करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पहचानना बताऊंगा कि संधि को हम पहचानते कैसे हैं। दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका यह है। अच्छा मुझे थोड़ा समझ बता सकता है कि दीर्घ दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? हाँ बोलिएगा। आप बड़ा, आ बड़ी, बड़ा वो, आ बड़ी, बड़ी, ओके, बड़ा लगो। उसके बाद जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी कुल संख्या चार है, बड़ा, बड़ी की, बड़ा उ और एक आता है ऋषि। याद रखिएगा मैं आपको 10 बार बता चुका हूं, अगर इनकी अगर दीर्घ स्वर की बात करता है तो इनकी कुल संख्या कितनी है? चार। कभी भी आप, अच्छा देखिए मोस्टली होता क्या है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि आ है, ई है, उ है, ये तो होते ही होते हैं, ऋषि भी होता है, ठीक है। इधर देखिएगा वही, ये वही दीर्घ है। अगर मैं दीर्घ की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं दीर्घ की बात करता हूं तो यहां पे जो मेरा परिणाम मिलेगा वो मिलेगा आ या फिर ई और या तो बड़ा उ। इतना क्लियर हो गया। देखिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी संधि है, अगर वो दीर्घ संधि होगी या कोई भी शब्द है, अगर वो दीर्घ संधि है तो उसमें या तो बीच में आ लगा होगा, या तो बड़ी की लगी होगी और या तो बड़ा उ लगा होगा। इतना क्लियर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, विद्यालय, यहां पे क्या लगा है? आप, ठीक है। अच्छा एक चीज और मुझे बताइएगा, मैंने यहीं पे क्यों कहा कि यहां पे आ लगा है? अब जैसे मैंने एक शब्द लिया स्वागत, यहां पे तो आ लगा है, तो इसका मतलब ये कहीं भी आप आ देखेंगे तो, या कहीं भी बड़ी ई की मात्रा देखेंगे या कहीं भी बड़ी की, बड़ा बड़ा उ की मात्रा देखेंगे तो उसको दीर्घ बोलेंगे। क्या रीजन है इसका? हाँ याद रखिएगा, जब हम किसी शब्द को विच्छेद जहां से कर रहे होंगे या जहां से उन शब्दों को हम जोड़ रहे होंगे, बस मेरे ठीक है, या जहां से वो शब्द टूट रहा होगा वहां पे आपकी हम मात्रा देखेंगे, या वहां पे हम बड़ी की मात्रा देखेंगे, या फिर वहां पे हम बड़ा की मात्रा देखेंगे। अगर मैं यहां पे बात करता हूं V प्लस विद्या प्लस आलय, आलय का मतलब क्या होता है? घर। और विद्या का मतलब विद्या, विद्या का घर। ये शब्द कहां से टूटेगा? विद्या से टूटेगा और यहां से आलय निकलेगा। इसीलिए हमने यहां पे पकड़ा कि ये शब्द कहां से टूटेगा? आ से। और यहां से कौन सी मात्रा है? आ। तो उस दृष्टि से कौन सी संधि है? अभी मैं स्वागत की बात करता हूं, आप मुझे बताइएगा अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूं तो कैसे टूटेगा? ये निकलेगा सु प्लस आगर। ये सही है या फिर ऐसे सही है? सो प्लस आगर, फर्स्ट वाला याद रखिएगा, ये वाला सही है। मैं आपको ये बताना चाहता था, जब भी किसी भी संधि को हम तोड़ेंगे, याद रखिएगा किसी भी संधि को जब हम तोड़ेंगे,
ठीक है, तो इसका एक सार्थक अर्थ प्रकट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कभी अपने मन से किसी भी शब्द को तोड़ दिया, ठीक है, किसी भी शब्द को तोड़ दिया और उसके बाद हमने ये कहा कि और हमारे नियम फॉलो, जैसे मैं इसी को मैं इसी की बात करता हूं। यहां पे क्या है, अ है और यहां पे आ है, नियम हमारा लग तो रहा है, अ और आ को मिलाने से क्या बन रहा है, आ बन रहा है, नियम तो हमारा लगेगा ना, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया किसी भी संधि को अगर हम उसका कोई भी शब्द है उसके जब हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने के पश्चात एक सार्थक अर्थ प्रकट होना चाहिए, ठीक है। हम किसी भी शब्द को अपने हिसाब से नहीं तोड़ सकते हैं और अपने नियम नहीं लगा सकते। याद रखिए कि नियम जैसे किसी शब्द तोड़ते हैं वहां पे नियम अपने आप लग जाते हैं, लेकिन एक सार्थक अर्थ प्रकट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन दिखाइएगा, आप देखिएगा जैसे एक और क्वेश्चन है, नारीश्वर, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं। अब देखिए यहां पे आप ये देखेंगे कि यहां पे आ की मात्रा है और यहां पे भी बड़ी ई की मात्रा है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, इस आ के द्वारा डिसाइड करेंगे या फिर ये जो बड़ी ई की मात्रा है उसके द्वारा डिसाइड करेंगे, क्यों, हाँ यही से टूट सकता है ना, नारी प्लस ईश्वर ना प्लस, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मैं बात करता हूं ना प्लस ऋश्वर, ये तो कोई शब्द होता नहीं है, बात समझ रहे, तो यहां से एक सार्थक अर्थ प्रकट हो रहा है। जैसे मैंने अगर नारी से तोड़ता हूं तो एक शब्द निकल रहा है, नारी प्लस ईश्वर, बात समझ रहे। तो अगर मैं बात करता हूं दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में मुझे कैसे पता चलेगा कि दीर्घ संधि है, आ रहा होगा या तो बड़ी ही आ रहा होगा और या तो बड़ा होगा रहा होगा। इतना क्लियर हो गया सबको आपको। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अच्छा मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आ कहां से रहा है, ये भी नहीं आपको बता रहा हूं कि ई कहां से आ रही है, ये भी आपको नहीं बता रहा हूं कि ऊ कहां से आ रहा है, बात समझ रहे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अभी फिलहाल मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि दीर्घ संधि को हम पहचानते कैसे हैं। अभी ऋषि वाले नहीं, इकट्ठे आपको बताऊंगा। ऋषि तीन जगह प्रयोग होता है, पहले सबसे पहले दीर्घ में होते हैं, फिर वृद्धि में भी होता है, ठीक है, तो तीन जगह इसका प्रयोग है, मैं इकट्ठे उसका बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ऋषि का मैं सिर्फ और सिर्फ हालांकि दीर्घ में है, अगर मैं यहां पे बता देता हूं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं तीन जगह इस ऋषि पे होता है, तीनों को इकट्ठे बता दूंगा तो वहां से आपको डाउट क्लियर रहेगा, ठीक। सबसे पहले मैं बात करता हूं दीर्घ, उसके बाद फिर मैं बात करता हूं गुण, ठीक है, गुण संधि और वृद्धि संधि। गुण संधि को पहले देखिएगा, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, इसका रिजल्ट मुझे मिलता है ए, और यहां पर फिर क्या मिलता है मुझे ओ, ठीक है। गुण के बाद वृद्धि, यहां पे मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, है और ये देखिए मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि देखिए ये दोनों आपको जो मिलते हैं ए ओ ए ओ, ठीक है, ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों किसमें हैं, गुण में, और ये दोनों किसमें हैं, वृद्धि में। कहीं भी अगर ओ दिखता है, कहीं भी ओ दिखता है, अच्छा इसको थोड़ा याद रखिएगा, जब हम स्वर संधि करेंगे, सॉरी विसर्ग संधि जब हम करेंगे तो वहां भी आपको ओ कहीं कहीं दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा अधोगति, अधः प्लस गति, ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। जैसे मैंने कहा आपको जैसे अधोगति है, ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा कि जहां पे ओ दिखाई देगा, ठीक है, आप उसको ये कहेंगे कि आपका गुण संधि है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस। अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ ओ के साथ ही है, रीजन क्या है कि जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो यहां से निकलता है अधम प्लस गति, ठीक है, अधम प्लस गति, इसी को थोड़ा सा याद रखिएगा। जब हम उसे ये सिर्फ और सिर्फ ओ के साथ होता है, कहीं भी अर्थात कहीं भी ए दिखे कौन सी संधि होगी, गुण, कहीं भी ओ दिखे गुण संधि, और यहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, उसको विच्छेद करके देख लीजिएगा कि क्या ये मेरा विसर्ग संधि तो नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ ओ के साथ होता है, बाकी कहीं भी आई दिखे मेरा क्या है वृद्धि, कहीं भी ओ दिखे वो मेरा क्या है प्रतिसंधि। ठीक है, क्लियर है? चलिए जरा कोशिश कीजिएगा, मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं। मैंने अभी आपको बताया है कि इसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ शब्दों को पकड़े। ठीक है, शब्दों को पकड़िएगा और उसके पश्चात आप मुझे बताइएगा कि कौन सी संधि है। मैं आपको सिर्फ गुण और बधि दे रहा हूं, सबसे पहले लिखिएगा तथा सदैव महौज विरोचित तपोबल और एक और लिखिएगा मनोहर चलिए कौन विद्वान मुझे बताएगा ये कौन कौन सी संधियां हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा सजा कौन सी संधि है, कैसे पकड़ा आपने, बात समझ में आ रहा है? अगर मैं ओ की बात करता हूं कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, कैसे पकड़ा आपने ओ की मात्रा से। अभी मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, वृद्धि संधि में क्या आएगा आएगा। देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, संधि को पहचाना बहुत आसान है, कुछ चीजों को बस आप याद रखिए। ठीक है, संधि को आपको विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे मान के चार ऑप्शन दे रखा, बोले कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन शब्दों को पकड़िए, उसके बाद विरोचित कैसे पकड़ा आपने, ओ की मात्रा लगी है, ठीक, यहां तक क्लियर है? जरा उसकी उसके बाद बताइएगा अगर तपोबल है ये कौन सी संधि है, ध्यान से बताइएगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ओ की मात्रा के साथ ऐसा होता है, ओ की मात्रा के साथ ऐसा होता है कि ये तो विसर्ग भी हो सकती है, ठीक है, और या तो ये गुण संधि भी हो सकती है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ ओ के साथ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। ये मैंने अभी आपसे क्या कहा कि या तो ये ओ मात्रा किसमें विसर्ग संधि में भी आती है और किसमें आती है गुण में भी आती है, तो अब मुझे थोड़ा सा इसका विच्छेद कीजिए जरा। तपो बल, तप प्लस बल होगा कि क्या होगा, तप होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ओ मात्रा लगी है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये चीजें जब मैं आपको विसर्ग में कराऊंगा तो वहां पे जो नियम है वहां पे नियम बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हर जगह ओ आएगा तो वहां पे आप हर जगह वहां पे गुण संधि नहीं रखेंगे, ठीक है, हर जगह जहां पे ओ आएगा वहां पे गुण संधि नहीं रखेंगे। बाकी बाकी आए हो ए हो या ओ हो, यहाँ पे आंख बंद करके आप कर सकते हैं कि मेरे गुण है या वृद्धि है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओ के साथ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या तो ये विसर्ग भी हो सकती है और या तो ये गुण भी हो सकती है। अगर मैं ठीक वैसे मनोहर की बात करता हूं तो ये भी विसर्ग है, मना प्लस हर, बात समझ रहे, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ वृद्धि संधि हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा यण संधि और आयादि संधि। देखिए ये बहुत सिंपल है, इसको पहचाना बहुत आसान है। अगर मेरे पास यण संधि हो या फिर आयादि, जो मैं कहूंगा उसी पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा।
अगर मैं कहता हूं यड़ संधि और या तो अयारी संधि, ये कौन सी संधियां हैं? इनको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जो यड़ संधि होगी उसमें भी यह आएगा और उसमें भी वह आएगा, जहां से हम शब्दों को तोड़ेंगे या जहां से जोड़ेंगे, बात समझ रहे हैं? आयादी संधि में भी क्या होगा कि अगर जहां से शब्द टूटेंगे या जहां से शब्द जुड़ेगा वहां पे भी यह आएगा और या तो वह आएगा। ठीक, अब आप ये कहेंगे कि सर ये बताइए कि जहां पे अगर दोनों ऑप्शन दे रखा हो तब क्या करेंगे हम? हाँ, यहाँ पे जो जो यड़ संधि होगी वो हमेशा आधा होगी, जहां से जैसे मैंने कहा स्वागत, सु प्लस आगर, बात समझे? स्वागत, देखिए यहां पे तो वह है लेकिन इससे ठीक पहले वाला जो व्यंजन क्या है आधा है, मैंने कहा इत्यादि, इति प्लस आदि, वहां पे तो आधा है। स्वागत कौन सी संधि? हाँ, क्यों इधर देखिए यहाँ पे क्या है वह लगा है ना, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि या तो इधर यण होगी या तो आयादी होगी। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो यण संधि होगी वो उससे ठीक पहले जो स्वर होगा, जो व्यंजन होगा वो आधा होगा। अच्छा, इसका रीजन मैं भाई बाद में बताऊंगा, जब मैं इसको यण संधि पे जब फिर से आऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि ये संधि ऐसा क्यों होता है, आधी क्यों होती है। लेकिन फिलहाल अभी इतना समझिएगा कि जो यण संधि है और जो आयादी संधि में अंतर क्या है, कि जो यण संधि होगी वो हमेशा क्या होगी? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जरा मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको बताइए कौन सी संधि है। प्रत्येक प्रत्येक पवन नायक अन्वित चली गई, यही थोड़ा सा पकड़िएगा इसको। और एक है अत्यधिक चलिएगा। सबसे पहले आप ही स्टार्ट कीजिएगा और मुझे कारण बताइएगा ऐसा क्यों है, कौन सी संधि है ये? यण क्यों? आधा ना है और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? वह है। अच्छा, इतना तो कंफर्म है, आप लोग इतना तो पहचान सकते हैं कि ये मेरा यण संधि है या आयादी संधि है, इतना तो पहचान सकते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पे आधा ना लगा हुआ है, ये कौन सा है? यहाँ भी यह है और ये आधा लगा हुआ है। उसके बाद ये आयादी है, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा शब्द है और उसके बाद यहाँ भी पूरा का पूरा है। इतना क्लियर है, आसान है काम पहचाना। ठीक है, जब मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाइएगा और मित्र सब मित्र देखेंगे और मुझे जब बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं शब्द पकड़ रहा हूं। रमेश एक ही मंत्र लग रही है, कौन सी संधि है? दीर्घ जगह गुण है, वृद्धि है, गुण है, एक है, वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताइएगा सदैव, वेरी गुड। उसके बाद दंतोस्ट की मात्रा लगी है। उसके बाद न्यून यो और आधा नौ लगा है और आधा नौ है, यण संधि है। ठीक है, बस मिल जाएगा। उसके बाद मुझे बताइएगा देवालय, देवालय दीर्घ, समझ आया सबको? उसके बाद एक और मुझे बताइएगा सत्याग्रह दीर्घ, सत्य प्लस। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे इधर देखिएगा, सत्याग्रह से एक चीज याद आ गई। अगर मैं बात करता हूं सत्याग्रह, अच्छा एक चीज देखिएगा, कुछ चीजें हिंदी में अपवाद है, अपवाद हर जगह मिलता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कहीं भी यो या वो आएगा तो वो मेरा कौन सा संधि होगा? या तो वो यण होगा और या तो आजादी होगी। ठीक, और यण इन दोनों में अंतर मैंने क्या बताया था कि जो मेरी, हाँ उसमें आधा आएगा, ठीक। इससे ठीक पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप विच्छेद करेंगे उसका कोई ना कोई एक सार्थक अर्थ होगा। ठीक है, ये तो बताया था। अब ये चीज आप देखिए कि जब आपने इस शब्द को पकड़े तो यहां पर यह है, ठीक,
और इससे ठीक पहले आधा भी है, तो इसका मतलब उस दृष्टि से इसको क्या होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये मेरा क्या है, दीर्घ है। रीजन क्या है, हाँ जब इसका विच्छेद करेंगे तो यहां से एक शब्द निकलेगा सत्य, प्लस यहां से निकलेगा आगरा। ये प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं कि अंक बंद करके कुछ शब्द, एक ही दो शब्द में अपवाद मिलता है, बाकी 99% ऐसा होता है कि वो चीजें एकदम सटीक बैठती हैं। जो भी अभी मैंने आपको बताया कि आधा शब्द और वा या यौ पकड़िए, ये 99% केसेस में एकदम सटीक बैठता है, 1% अपवाद है, और ये अपवाद सत्याग्रह के साथ है। ठीक है, अपवाद का कोई इलाज नहीं। मैं आपको 10 बार बोल चुका हूं कि हमने ग्रामर को बनाया है, ग्रामर ने हमको नहीं बनाया है। सबसे पहले भाषा आई थी, भाषा के अकॉर्डिंग हमने ग्रामर बनाया है। ठीक है, तो इसमें कुछ अपवाद मिलते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा, सत्याग्रह है। तो आंख बंद करके इसको आप गुण संजना कर दीजिएगा, पहले शब्दों को तोड़ना सीखिए। अगर वो तो, अगर उस शब्द को अगर तोड़ने के पश्चात जो आधा शब्द जो भी मेरे पास आ रहा है, एक सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा है, तो कौन सा शब्द होगा? ठीक है, कितना क्लियर हो गया? नेक्स्ट में बात करता हूं। अब मैं आपसे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, जैसे दीर्घ में मैं बोलता हूं कि दीर्घ में आखिर जो रिजल्ट आ रहे थे, दीर्घ में आ ई और बड़ा हो, ठीक है, ये आते कैसे थे? ठीक है, मैंने पहले आपको पहचाने सिखाया था, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका हम विच्छेद कैसे करते हैं। पहले थोड़ा सा समझिएगा, अच्छा हिंदी संधि में देखिएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी हिंदी ग्रामर में आपको कोई भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ संधि में ही कुछ चीजें नियम को याद करना पड़ेगा, कम से कम आपको इतना भी याद करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास अ है या आ है, अ या आ का मेल आ या ओ के साथ करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? आ। कितना सबको क्लियर है? अगर मैं ई की बात करता हूं तो यहां पे क्या आएगा? ई या बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ या छोटी ई के साथ होगा तो यहां पे रिजल्ट क्या बनेगा? बड़ी। सेम वैसे इसके साथ भी है, इसके साथ भी क्या है कि ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ या छोटा ऊ के साथ होता है तो क्या बनेगा? बड़ा। अब मैंने एक एग्जांपल दिया, अच्छा ये चीज समझ है? जी सर। अच्छा इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए ई का मेल इसके साथ भी हो सकता है और ई का मेल इसके साथ भी हो सकता है, समझ रहे? अब जैसे आप भी मुझे बताइएगा, मैंने लिखा देव प्लस आलय, ठीक है, देव प्लस आलय, यहां पे क्या है? अच्छा मुझे थोड़ा सा आपको बताइएगा, आपने शायद यूपी पुलिस से एग्जाम दिया था, फिर से मैं वही पूछता हूं जो यूपी पुलिस ने पूछा था कि मेरे पास कोई भी वर्ण है, वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? आपने यूपी पुलिस एग्जाम भी दिया था क्या? देखिए आदमी को जो गलतियां आदमी करता है उसे सीखने की कोशिश करता है। वर्ण के सिर्फ और सिर्फ दो भेद हैं, वर्ण के सिर्फ कितने भेद हैं? अब जैसे मैंने लिखा क, मैंने लिखा ने, इसका विच्छेद कीजिए, क का विच्छेद करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा? आधा क प्लस अ। अगर न का विच्छेद करता हूं यहां से क्या निकलेगा? आधा न प्लस ए। बात समझे? तो उसके कुल कितने भेद हैं? और यही आपसे यूपी पुलिस ने पूछा था कि कोई भी वर्ण होता है उसके कुल कितने भेद होते हैं? दो। पहला है व्यंजन, ये मेरा क्या है? व्यंजन। और ये मेरा क्या है? स्वर। यहां से एक और प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा स्वर या व्यंजन है, या आप मुझे ये बताइएगा कि स्वर स्वतंत्र होता है या व्यंजन स्वतंत्र होता है, या दोनों दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं? आप स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। हम आप कभी भी देखिएगा कोई भी व्यंजन को हम ऐसे नहीं लिखते, जैसे मैं मुझे लिखना है क, तो हम किसी भी व्यंजन को हमेशा ऐसे लिखते हैं, किसी भी व्यंजन को हम ऐसे नहीं लिखते हैं। जी सर। अब जैसे मुझे लिखना है कबूतर,
या फिर मुझे लिखना है कार, हम कार ऐसे लिखते हैं या हम कार ऐसे लिखते हैं, गलत है ये तो। आगे ये तो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है ना, इसका मतलब इसके साथ हमेशा क्या लगता है, स्वर लगता है। लेकिन जितने स्वर होते हैं वो उनके साथ कभी व्यंजन नहीं लगता। याद रखिएगा यह प्रश्न आ चुका था कि व्यंजन और स्वर की बात करता हूं, इनमें से कौन स्वतंत्र है, तो कौन स्वतंत्र है, स्वर। लेकिन कौन स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के नहीं लिखा जा सकता। बात समझ रहे हैं? उसके बाद अच्छा आप इधर देखिएगा, हाँ मैं यहां से आपको बात कर रहा था, यहाँ पे वह है, यहाँ पे वह है, तो यहां पे क्या है, अगर मैं इसका विच्छेद करता हूं यहां से क्या निकलेगा, वह प्लस अ, और यहाँ पे क्या है आ। अब इधर देखिएगा अ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ। क्या बनाते हैं, बड़ा आ। और यही आ वह के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, दे वा ल या। कोई डाउट क्लियर आप लोगों को? आगे बढ़े, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बस खत्म होने वाला है। उसके बाद में बात करता हूं गुण, ठीक है, गुण की बात करता हूं। गुण में क्या है, मैं फिर से बोलिए यहां पर रिजल्ट क्या मिल रहा था मेरे को, बोलिएगा ए और ओ। अब ये देखिएगा कि ए आता कैसे है, अब इधर देखिएगा ए कैसे आता है, अगर मेरे हाँ आ बोलिएगा, अगर ओ या आ का मेल किसके साथ होता है, ई या बड़ी, ठीक है, ओ या आ का मेल ई या बड़ी ई के साथ होता है तो यहां पे क्या बनेगा, ए। ओ की बात करता हूं, ओ या आ का मेल, ओ या आ का मेल उ या बड़ा उ के साथ होता है, यहां पर क्या बन रहा था, ओ। पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहचाना बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है। गुण की बात करता हूं, फिर उसके बाद बात करता हूं वृद्धि। वृद्धि में देखिएगा इसका नियम कैसे बनता है, इधर देखिएगा यहां पे रिजल्ट क्या बन रहा था मेरा, ए और यहां पे ओ। यहां पे क्या है कि ओ या आ का मेल ई के बाद ई उ और फिर उसके बाद ए या ए, उसके बाद ओ या आ का मेल ओ या ओ के साथ। बात समझ रहे हैं? देखिएगा मैं आपको दोनों का मैंने इसलिए इकट्ठा कराया है, इसको याद करना काफी आसान है। देखिए यहां भी ओ, यहां भी ओ आ, यहां भी ओ आ, यहां भी ओ आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए ऐ ओ ओ। स्वर का जो क्रम है उसी क्रम के अनुसार ये चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो याद करना काफी इसको आसान है। कोई डाउट, कोई डाउट जरा मुझे बताइएगा। अच्छा इतना क्लियर है ना, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले पीछे आप भी मुझे बताइएगा, मैंने अभी कौन कौन से आपको नियम बताए अभी, खासकर गुण में आप बताइएगा। हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ छोटी बड़ी बराबर, हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है। अब बताइएगा जरा दूसरा नियम क्या था, छोटा बड़ा प्लस उ बड़ा उ, हाँ क्या बनाते हैं, ओ ओ ओ, वेरी गुड। उसके बाद वृद्धि में बड़ा छोटा प्लस बड़ा ए ए हाँ बराबर ओ ओ, अरे ए। अभी आपने ये कहा ना मेरे को कि अगर ओ है या आ है, ओ है आ है, और इसका मेल किसके साथ करते हैं, ए या ए के साथ। याद रखिएगा जो जो ए ए है वही तो बनाएगा, ठीक है। अगर दूसरा लास्ट का नियम आप बताइएगा, ओ आ
का मेल किसके साथ हो रहा है? ओ या ओ के साथ। तो यहाँ पे क्या लगा रहा है? ओ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लिख करके इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा, और जिस दिन आपको ये सब चीजें आपको समझ में आ रही उस दिन से याद, एक भी क्वेश्चन आपका सही से गलत नहीं होगा। बात समझ गए? एक लास्ट है, यार संदीप, अच्छा इसके एग्जांपल जरा मुझे बताइएगा क्या बनेगा, बोलो। परम प्लस औदारी, परम प्लस औदारी, और एक बार लिखिएगा जरा, महा प्लस उत्सव, रेको कीजिएगा। यहां पे क्या है? आदि मात्रा है। यहां पे क्या है? ऊ है। आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बनेगा? महोत्सव। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अच्छा देखिएगा, आपको देखिए संधि में ये होता है कि आपको ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो नियम है वो नियम को फॉलो करना है। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे महा प्लस उत्सव है तो यहाँ पे आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ। तो यहाँ पे क्या बनेगा? महोत्सव। बात क्लियर है? अगर परम प्लस औदार्य, चलिए आप मुझे जरा बताइएगा, परम प्लस औदार्य क्या बनेगा? सबसे पहले नियम पकड़िएगा, यहाँ पे क्या है? अ है। अ का मेल किसके साथ हो रहा है? ओ के साथ हो रहा है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नहीं नहीं मुझे शब्द बता दीजिए, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओ। ठीक है, तो शब्द यहां से क्या बनेगा? दार्य। कोई डाउट? कोई डाउट? सबको क्लियर है? अगर अभी भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, दो तीन और एग्जांपल बताता हूं आपको। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यण संधि। यण संधि में क्या होता है? यण संधि में क्या था कि मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर रिजल्ट क्या मिलता था? या और व, यही मिलता था। या और व, बस ये लास्ट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, या और व। यहां पे देखिएगा, या और व में जैसे मैंने लिखा, अच्छा इतना तो कंफर्म है कि ये रिजल्ट मेरा क्या बनता है। अब देखिएगा ये आता कहां से है। अगर मेरे पास ई है, ठीक है, या मेरे पास बड़ी ई है, और इसके साथ, अच्छा किताबों में क्या लिखा हुआ है कि इनके साथ ई ई का मेल और आ के साथ किया है, ई ई का मेल फिर ऊ के साथ किया है, ए के साथ किया है, उन्होंने काफी लंबा कर रखा है। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि ई और ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी ठीक, कोई भी भिन्न स्वर। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइए, मैंने भिन्न स्वर क्यों लिखा? मैं ये भी तो लिख सकता था कि कोई भी स्वर हाँ, हाँ अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होता कोई भी स्वर, इसका मतलब यहाँ पे ई भी आ रहा होता। ठीक है, और जब ई और ई मिला के तो फिर वहां पे बड़ी ई बनाते, तो फिर वो कौन सी संधि हो जाती? फिर वो दीर्घ हो जाती। तो यहाँ भी इस को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ई और ई के साथ ई को छोड़ के कोई भी स्वर हो। बात समझ रहे? ई को छोड़कर, छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो रिजल्ट मेरा क्या देगा? य। और यही चीज इसके साथ भी है, ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो ऊ और ऊ को छोड़ के, तो यहां से क्या बनाएगा? व बनाएगा। कोई डाउट? ठीक है, अब जरा मैं एक दो एग्जांपल करा रहा हूं। प्रभु प्लस ईशान, इसको जरा लिखिएगा और जरा कीजिएगा, प्रभु प्रभु
प्रभु प्लस ईशान चलिए आप मुझे बताइएगा यहां पे कौन सी मात्रा लगी है छोटा हो छोटा हो छोटा हो कौन सी मात्रा लगी है छोटा हो और यहां पे क्या बना रहा है ए आ और उ और ए मिलकर क्या बनाते हैं क्या बनाते हैं व अच्छा यहां पे थोड़ा सा एक चीज समझिएगा यहां पे थोड़ा सा एक ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है भू है मैं इसको तोड़ता हूं यहां से क्या निकलेगा आधा भू प्लस यहां से क्या निकलेगा छोटा भू प्लस यहां से क्या है ये ए है और अभी आपको मैंने नियम क्या बताया था कि ऊ और ए जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं वा। इतना क्या है दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं यहां से ए लगा है वह तो बनेगा बनेगा अब ए लगा है तो यहां पे ए की मात्रा लग जाएगी अगर ए लगा होता यहां पे ए की मात्रा लगी होती यहां पे ओ होता तो यहां पे ओ की मात्रा लगी होती बात समझ रहे देखिए ऐसे समझिएगा अगर मेरे पास ऊ है ऊ का मई मेल ए के साथ हो रहा है तो यहां क्या बनेगा वे ऊ का मेल ओ के साथ हो रहा है यहां से क्या बनेगा वो समझ रहे ऊ का मेल अगर आ के साथ हो रहा है तो यहां से क्या बनेगा वा इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो वही चीज है अच्छा अब यहां देखिएगा तो ऊ और ए मिलके क्या बनेगा वे ठीक ऐसा क्या रीजन होता है कि जो यण संधि होती है यण संधि का प्रत्येक जो 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 व्यंजन होता है जो वर्जन संधि का जो कोई भी व्यंजन संधि उसके बीच का जहां से वो शब्द टूटता है या जुड़ता है वहां पे आधा होता है मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये देखिएगा भ यहां से टूटा तो इसने अपना स्वर इसको दिया और ये दोनों मिलके क्या बना दिए वे इसको भी तो स्वर चाहिए अभी मैंने अभी क्या कहा था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरा है ठीक है इसको जब कोई स्वर मिलेगा तभी तो बनाएगा लेकिन ये पहले ही स्वर इसके साथ मिलके क्या बना चुका है वे तो इसके लिए स्वर चाहिए ना और स्वर नहीं होगा तो आधा रहेगा तभी तो यहां पर क्या बनेगा ये क्लियर हो गया ऐसा क्या होता था यहां पे हमेशा आधा आधा था इसका रीजन यही है बात समझ गए एक छोटा सा एग्जांपल कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा मधु प्लस आलय ये सिंपल क्वेश्चन है मधु प्लस आलय और मुझे रीजन भी बताइएगा क्या कि क्यों ऐसा हुआ कि ये आधा हो गया मधु प्लस आलय सबसे पहले अपने नाम रखिएगा नाम भूल जाता हूं हाँ आकांक्षा तो मुझे ये थोड़ा बताइएगा मधु प्लस आलय ठीक अगर यहां पे ऊ है यहां पे ऊ है और यहां पे आ है तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से क्या निकलेगा वाह इस चीज को याद रखिएगा वह नहीं निकलेगा क्या निकलेगा वाह निकलेगा अब इसको जरा कीजिएगा मधु प्लस आलय क्या बनेगा म बुरा होगा क्या आधा होगा आधा सब में आ रहा उसके बाद क्या होगा यहां पे वा ल और य कोई डाउट नहीं सर आज इतना ही रखते हैं ठीक है नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी उसमें फिर इसको कंप्लीट करेंगे ठीक है